हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ क्यों मुड़ती हैं? इसका जो मुख्य कारण होता है वो कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवार्ड जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवार्ड मोड़ देता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से उत्पन्न होता है। जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मैक्सिमम पोल्स पे होता है जबकि मिनिमम जो होता है वो इक्वेटर पे होता है, क्योंकि अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर नहीं होता है। अर्थ में इक्वेटर पर बल्ज निकले हुए हैं जबकि पोल्स पे फ्लैट होती है, और इसको अपनी रोटेशन एक निश्चित समय में पूरा करने के लिए अपनी मैक्सिमम स्पीड इक्वेटर पे रखनी पड़ती है और मिनिमम स्पीड पोल्स पे रखनी पड़ती है। इस वजह से कोरियोलिस फोर्स मिनिमम इक्वेटर पे होगा जबकि मैक्सिमम पोल्स पे होगा। और इसके अलावा विंड्स को तो यह डिफ्लेक्ट करता ही करता है, जो ओशन करंट्स होते हैं उन ओशन करंट को भी कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवार्ड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवार्ड मोड़ता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हरियाणा 24/7 के साथ। धन्यवाद।